नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनवीर आलम, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेल के शीट पर कैलकुलेट वर्क हावर एंड ओवर टाइम, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार लोग कैलकुलेट तो कर लेते हैं लेकिन कुछ गलतियां कर देते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम करते हैं। हमने यहाँ पर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, इन टाइम दिया हुआ है, आउट टाइम, रेगुलर आवर और ओवर टाइम और टोटल आवर हमको निकालना है। मान लीजिए कि हम एंट्री कर देते हैं 9 बजे। अब आपको यहाँ टाइप करना होगा, इतना स्पेस देने के बाद AM टाइप करना होगा, और AM आप चाहे कैपिटल लेटर में चाहे स्मॉल लेटर में, अगर आप स्मॉल लेटर में टाइप करते हैं तो जैसे आप इंटर मारेंगे कैपिटल हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ 9 AM करा दिया है, एंट्री करा दिया है। ऐसे ही हम शाम के 5 बजे आउट टाइम करा देते हैं, यहाँ पर आपको टाइप करना है PM। इसके बाद क्या करना है, ऐसे हम इसको फिल कर लेते हैं। अब हम रेगुलर आवर निकालेंगे। रेगुलर आवर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद आउट टाइम में से इन टाइम को घटा देंगे, तो आउट टाइम माइनस इन टाइम। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे AM शो कर रहा है। चलिए मैं इसको ड्रैग करके रिजल्ट निकाल लेता हूँ। ओवर टाइम भी दे देता हूँ किसी को मैं, 1 घंटे। अब यहाँ करना क्या है कि टोटल आवर निकालना है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, रेगुलर आवर प्लस ओवर टाइम, इंटर कर देंगे तो 8 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ, 9 घंटे शो कर रहा है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, हम आपको बताते हैं कि सारा AM और PM दे रहा है। इसको सही कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरे रेंज को, और हम चलेंगे नंबर वाले फॉर्मेट पे। यहाँ जाने के बाद कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे दे रहा है HMMSS, घंटा मिनट सेकंड, ओके। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा घंटे में शो कर रहा है, AM PM हट गया है। ऐसे ही फिर इसको भी सेलेक्ट कर लें, उसके बाद फिर इस पर जाएँ और यहाँ पर घंटा मिनट सेकेंड। अब क्या करना है, मान लीजिए मुझे टोटल इसका रेगुलर आवर का टोटल निकालना है, ओवर टाइम का टोटल निकालना है और टोटल आवर का पूरा टोटल निकालना है। तो करेंगे इक्वल टू साइन, कोष्टक स्टार्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद कोष्टक बंद करके एंटर कर देंगे। देख रहे हैं 64 घंटे आ गया। ऐसे इसका भी कर लेते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे 64 घंटे यहाँ आया है, 14 घंटे 3 मिनट यहाँ आया है। अब आप इसको जब जोड़ेंगे तो 78 घंटे 30 मिनट, चाहे यहाँ पे इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया है, तो यह हमारा आ गया है।